तो आज हम आपके लिए लाए हैं मेथी के तड़के वाली दही की कढ़ी, एकदम नए तरीके से। आप इसे एक बार घर पर जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में दही ले लेंगे। यहाँ पर दही हमने घर का दही लिया हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा बेसन मिला देंगे और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें और इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी वैसे बहुत तरीके से बनती है। कोई बेसन को पहले भून लेता है, पर आज हम नए तरीके से बनाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो उसके लम्स थे वो भी सारे टूट चुके हैं। तो अब एक बाउल में हम मसाले तैयार कर लेंगे। मसाले में हम धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इससे पहले आपने ऐसी कढ़ी नहीं खाई होगी। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें मेथी का तड़का लगाएंगे। मेथी का तड़का लगाने के बाद दो लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और लाल मिर्च को भी एकदम लाल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपने जो हमने मसाला तैयार कर रखा था वो मसाला ऐड कर देंगे। अब हमने मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है। जब मसाले हमारे तेल छोड़ देंगे तो हमने जो दही बेसन मिला के जो मिक्सचर तैयार कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, जो हमारा मसाला है वो एकदम रेडी है। तो हम इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे मिला लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। आज हमने कढ़ी के साथ पकौड़े नहीं बनाए हैं, आज हमने प्लेन कढ़ी बनाई है। कढ़ी को कहीं कहीं पर झोली भी बोलते हैं। देखिए, हमने इसमें 2 से 3 कप पानी ऐड कर लिया था क्योंकि वो हमारा बहुत थिक हो गया था। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देंगे और इसमें उबाल आ चुका है। अब ये देखिए कलर भी कितना अच्छा हुआ है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है। अब हम इसमें धनिया की गार्निशिंग करेंगे। आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ ले सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।